Good morning, students. Today we will continue the same chapter, resources and development, and we will discuss on the topic soil as a resource. Basically, soil is very important resource which support the life system on earth, as it is the medium of plant growth and acts as a supportive system for different types of living organism on earth. जैसे कि सभी लोगों को पता है कि जो soil है, soil हमारे लिए एक बहुत ही important resource है, क्योंकि ये जितना भी हमारा life system है earth पे, ये सबको support करती है. support कैसे बेटा? क्योंकि जितने भी प्लांट्स ग्रो होते हैं, जितनी भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती हैं, वो सब की सब हमारी कहाँ होती हैं? इसी लैंड पे, इसी सॉइल पे होती हैं. इसीलिए सॉइल को हम बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स मानते हैं. सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. सॉइल जो है वो बेसिकली हमारे लिए एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि जो ये हमारा रिसोर्स है, ये टाइम टू टाइम हम लोग इसको रिन्यू कर सकते हैं ना. कैसे? मान लीजिए सॉइल की हमारी फर्टिलिटी, हम लगातार प्रोडक्शन लिए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लिए जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हमारे सॉइल के मिनरल्स कम हो रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है. अब हम क्या करें? सॉइल को बेकार छोड़ देते हैं क्या? नहीं, हम उसमें मैन्यूर्स डालते हैं, अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, और हम उसको दोबारा फिर से रिन्यू कर लेते हैं अपने नए प्रोडक्शन के लिए, और सॉइल से हम लोग फिर पहले से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रो करते हैं. होता है ना ऐसा, आप देखते हैं. सो सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फूड टू दिस अर्थ, रिलीफ पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन. दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. तो सॉइल की फॉर्मेशन के लिए ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनसे कि हमारी सॉइल की फॉर्मेशन होती है. सो टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले है हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और वो है हमारा पेरेंटल मटेरियल. पेरेंट मटेरियल, या इसको पेरेंटल रॉक्स भी बोलते हैं. इससे जो हमारी बेसिक, एक तरह से इसको हम लोग बेसिक रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी सॉइल है उसकी फॉर्मेशन उन बेसिक रॉक से ही होती है. ठीक है, तो इसलिए जो हमारा पेरेंटल मटेरियल है, उस मटेरियल के अकॉर्डिंग ही हमारी सॉइल की फॉर्मेशन होती है. दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे सॉइल की फॉर्मेशन को डिसाइड करता है, वो है हमारा क्लाइमेट. विदाउट क्लाइमेट वेदरिंग कैन नॉट टेक प्लेस. क्लाइमेट हैज़ डिफरेंट एफर्ट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. थ्रू टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन इट अफेक्ट्स रेट ऑफ वेदरिंग. क्लाइमेट कैन बी रिगार्डेड एज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन में जो हमारा मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर है, वो हमारा क्लाइमेट है, क्योंकि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही हमारी जो भी वेदरिंग है ना. विदाउट क्लाइमेट वेदरिंग कैन नॉट टेक प्लेस. वेदर के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही हमारी जो सॉइल है उसकी फॉर्मेशन होती है. जैसे जैसे टेम्परेचर है, जैसे जैसे रेनफॉल है, तो ये सारी चीज़ें हमारी सॉइल की फॉर्मेशन को डिसाइड करती हैं. थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन इज बायोमास. दिस मे इंक्लूड बोथ द लिविंग मैटर. लिविंग मैटर्स हमारे कौन कौन से हैं? जैसे हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सो दीज आर ऑल लिविंग मैटर्स. द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल प्रोवाइड ह्यूमस एंड बैक्टीरिया टू डू द एक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ सॉइल मटीरियल.
इसलिए बायोमास हमारे लिए अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो सॉइल का केमिकल, सॉइल में जो केमिकल एक्शंस होते हैं, जो हमारे सॉइल का कलर है, जो हमारे सॉइल का टेक्सचर है, ये सब हमारा बायोमास ही डिसाइड करता है। इसलिए बायोमास अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल की फॉर्मेशन में। देन टोपोग्राफी, टोपोग्राफी इट इंक्लूड एल्टीट्यूड, रिलीफ, स्लोप एज वेल एज द डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू सनशाइन एंड विंड्स। तो ये हमारी जो टोपोग्राफी है, जिसमें हमारे एल्टीट्यूड्स हैं, हाई एल्टीट्यूड्स की सॉइल में डिफरेंस होगा, लो एल्टीट्यूड की सॉइल में अलग डिफरेंस होगा, जितने भी हमारे रिलीफ फैक्टर्स हैं या हमारे स्लोप्स हैं, ये सब हमारी टोपोग्राफी में ही आते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमारे रिलीफ फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, हमारे स्लोप्स के अकॉर्डिंग, हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ सनशाइन है उसके अकॉर्डिंग, विंड्स कौन सी हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारी सॉइल की फॉर्मेशन है वो डिसाइड होती है। देन टाइम, दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। टाइम फॉर्मेशन इज अ मोस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस, देयरफॉर रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉइल में ग्रेजुअली वेरी, डिकम्पोजिशन इज क्विक देन इन अदर टेम्परेट जोन ऑफ द टाइम, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। किसी भी एरिया में सॉइल की फॉर्मेशन, ये एक हमारी लॉन्ग टर्म फॉर्मेशन है और विदाउट कंज्यूमिंग ऑफ टाइम, आप 2 दिन में, 4 दिन में, 2 महीने में, 10 महीने में ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया की सॉइल की फॉर्मेशन हो सके। तो दिस इज आ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, सॉइल फॉर्मेशन इज आ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्लियर? नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। तो इंडिया में, क्योंकि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग 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 तरह की है, यहाँ पे कहीं पे जो टेम्परेचर है इतना हाई है, जो हमारे वेस्टर्न पार्ट्स के, वेस्टर्न स्टेट्स हैं सारे, गुजरात हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं पे टेम्परेचर लो है, कहीं पूरा टाइम बारिश बारिश, हैवी रेनफॉल की वजह से, कहीं पे आपके प्लेट्यू रीजन्स हैं। तो जब हमारी कंट्री में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो सेम नहीं है, तो क्या आप ये इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो सॉइल है वो भी सेम हो? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। यहाँ पे हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वेरिएशंस की वजह से हमारी सॉइल्स में भी अलग अलग तरह की वेरिएशंस पाई जाती हैं। बेसिकली इन इंडिया वी फाउंड 6 टाइप्स ऑफ सॉइल। जो हम लोग इंडिया में सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं, बेसिकली वो 6 टाइप की सॉइल्स का करते हैं। और ये सॉइल्स हैं हमारी एल्यूवल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल। इस तरह से हम लोग अपनी सॉइल को 6 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले सॉइल्स ऑफ इंडिया में जो मेन हमारी इम्पॉर्टेंट सॉइल है, दैट इज एल्यूवल सॉइल। जो एल्यूवल सॉइल है वो हमारे जितना भी नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स का पार्ट है, ये इस सब को कवर करती है। ये हमारी मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल इंडिया की अगर कोई है तो वो है हमारी एल्यूवल सॉइल। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एल्यूवल सॉइल। एल्यूवल सॉइल भी हमारी 2 तरह की है, वन इज़ खादर एंड अनदर वन इज़ बांगर। जो खादर है उसको हम लोग न्यू एल्यूवल सॉइल बोलते हैं, और जो बांगर है उसको हम लोग ओल्ड एल्यूवल सॉइल बोलते हैं। बेसिकली जो हमारी एल्यूवल सॉइल है, इसमें लाइम, पोटैश, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे केमिकल्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा रिच मात्रा में है। इसीलिए जो प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है। बांगर सॉइल जो है, हम लोग इसको लेस फर्टाइल सॉइल भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें जो छोटे छोटे कंकर हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इसमें जो हमारी
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना कि हमारी खादर सॉइल में हो जाता है। बेसिकली हमारी वैसे तो इसमें सारी फसलें उगाई जा सकती हैं, लेकिन जो बहुत अच्छी होती है क्रॉप्स वो हैं बेसिकली जैसे क्रॉप्स लाइक राइस, वीट, शुगर केन, ऑल टाइप्स ऑफ ऑयल सीड्स, टोबैको, ग्राम्स एक्सेट्रा। सो ये हमारी जो क्रॉप्स हैं दीज आर वेल ग्रोन क्रॉप्स इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। नाउ नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सॉइल। दीज सॉइल्स गेट देयर रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड फाउंड इन द रॉक्स ऑफ द पेरेंटल मटीरियल। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि जो बेसिक हमारी फॉर्मेशन होती है सॉइल की वो उस पर्टिकुलर एरिया की पेरेंटल रॉक्स से होती है। तो रेड और येलो सॉइल जो है वो बेसिकली आयरन ऑक्साइड का कंटेंट उनकी पेरेंटल रॉक्स में सबसे ज़्यादा था, इसीलिए हल्के से रेडिश और येलोइश कलर में पाई जाती हैं। और इंडिया में ये तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इन सारे एरियाज में पाई जाती है। दी सॉइल्स आर ड्राइव फ्रॉम ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक क्रॉप्स। बेसिकली कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं इसमें? क्रॉप्स लाइक वीट, मिलेट्स, कॉटन, पल्सेस, शुगर केन एक्सेट्रा। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया इज ब्लैक सॉइल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेगर सॉइल, कॉटन सॉइल और लावा सॉइल। समटाइम्स वी कॉल दिस सॉइल वॉल्केनिक सॉइल ऑल्सो, क्योंकि जो इसका फॉर्मेशन है, जो इसकी पेरेंटल रॉक है, वो बेसिकली लावा इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान जो हमारे लावा की ऐश होती है उससे हुई है। और ये ज़्यादा पानी जब इस बरसात के दिनों में जब ये सोख लेती है तो ये फूल जाती है मिट्टी। इट स्वेल्स ड्यूरिंग रेनफॉल एंड इट श्रिंक इन द ड्राई सीजन। और जैसे ही ड्राई सीजन होता है तो ये श्रिंक हो जाती है, इसीलिए इसमें बहुत सारे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। बड़ी बड़ी दरारें आपने देखी होंगी, आप टीवी में भी कई बार देखते हैं, वो जैसे सूखे का कोई सीन दिखाएंगे आपको तो उसमें दिखाएंगे कि दूर तक बड़े बड़े खेत हैं और उनमें बहुत गहरे गहरे लंबे लंबे क्रैक्स पड़े हुए हैं। तो ये क्रैक्स हमारे यही वाले होते हैं जब हमारी ये वाली जो लैंड है वे पूरी तरह से ड्राई हो जाती है, इसमें वाटर कंटेंट नहीं रहता। बेसिकली हमारे डेक्कन ट्रैप्स एरिया ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, इन एरियाज में ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु ऑल्सो, इन पार्ट्स में भी ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ये सॉइल हमारी कॉटन के लिए, तो चीफ क्रॉप जो है हमारी इस सॉइल की वो हमारी कॉटन ही है। इसके अलावा वीट, टोबैको, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन भी हम लोग इस ब्लैक सॉइल में ग्रो करते हैं। पर बेसिकली दिस सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर द कॉटन। नाउ नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इज़ रेडिश सॉइल मोस्टली फाउंड इन द ट्रॉपिक्स। इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग अवे ऑफ मैटर ड्यू टू अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशंस। ड्राई और वेट कंडीशंस होने की वजह से लीचिंग में जो है इसका कलर हल्का सा रेडिश हो जाता है। नाउ व्हाट इज लीचिंग? लीचिंग इज द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर वॉश्ड अवे ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल। ठीक है बेटा, हैवी रेनफॉल की वजह से जो हमारे मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पानी में घुल के बह जाते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा लीचिंग कहलाता है। कॉफ़ी, रबर, कैश्यू, ये हमारे बेसिकली लेटराइट सॉइल की क्रॉप्स हैं। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। नाउ एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये हमारी डेजर्ट एरिया की सॉइल है। एंड दे आर ड्राइड, दिस सॉइल इज इन ड्राइड फॉर्म
एंड दिस सॉइल हैज़ लूज पार्टिकल्स। लूज पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? जैसे जो हमारी रेत है, आप उसको मुट्ठी में बंद करेंगे और ज़ोर से मुट्ठी बंद कर लेंगे तो भी हमारा रेत मुट्ठी से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो लूज होते हैं। इसी तरह से जैसे आप मुल्तानी मिट्टी है या दूसरी ब्लैक सॉइल है या हमारी एलुवियल सॉइल है, इसको आप लेंगे तो ये बंधी रहती है, इसका ढेला सा बना रहता है, तो ये हमारी गिरती नहीं है क्योंकि उसके पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए होते हैं नमी के कारण, मॉइस्चर के कारण। और इस डेजर्ट सॉइल में मॉइस्चर नहीं होती, इसलिए इसके पार्टिकल्स जो हैं वो लूज हो जाते हैं। बेसिकली दे आर एल्कलाइन इन नेचर बिकॉज लैक ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल कम होती है इसके, दिस इज एल्कलाइन इन नेचर। डेजर्ट सॉइल आर फाउंड इन राजस्थान, साउथ वेस्ट पंजाब एंड हरियाणा। नाउ लास्ट इज माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल। द मैकेनिकल वेदरिंग इज अ डोमिनेंट फैक्टर इन मेकिंग ऑफ दिस सॉइल। इन द हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, हिमाचल प्रदेश, ये हमारे स्नो या वाटर, रेन वाटर की वजह से जो ये रॉक है वो बेसिकली हमारी क्या हो जाती है, बह जाती है स्लोप्स पे। एंड एज द सॉइल आर नॉट मिक्सड वेल, इसलिए ये सॉइल हमारी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती है। एंड दीज टाइप ऑफ सॉइल आर नॉट वेरी डेवलप्ड, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल या डेवलप्ड सॉइल नहीं होती। तो ये हमारी सॉइल्स थी इस चैप्टर का, के ये हमारे इम्पोर्टेंट कुछ हमने फैक्टर्स पढ़े सॉइल से रिलेटेड, सॉइल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा। सो थैंक यू सो मच।